हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं मैड मैक्स के यूनिवर्स के आने वाली स्पिन ऑफ फिल्म मैड मैक्स फ्यूरियोसा के बारे में। हालांकि फिल्म का टाइटल अब तक कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन डिटेल्स यही कहती है कि ये फिल्म पूरी तरीके से फोकस 40 थेरोन के कैरेक्टर फ्यूरियोसा पर करेगी, यानी कि उसकी बैक स्टोरी, जो एक हिसाब से मैड मैक्स फ्यूरी रोड फिल्म की प्रीक्वल भी मानी जाएगी। अब रिसेंटली इस फिल्म की कास्टिंग की गई है, यानी कि एक्टर्स की कंफर्मेशन ऑफिशियली कर दी गई है। तो चलिए उन्हीं सभी डिटेल्स की बात करते हैं और फैंस की अपसेटनेस के बारे में भी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, साल 2015 की मैड मैक्स रोड ऑफ फ्यूरी फिल्म के बाद फैंस की उम्मीदें तो इसी को लेकर थी कि स्टूडियो इस फिल्म के यूनिवर्स को आगे ऐसे ही कंटिन्यू रखेगा। लेकिन बाद में आगे चलकर जॉर्ज मिलर और स्टूडियो के बीच काफी सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई थी, जिसे पूरी तरीके से कवर मैंने अपने इस चैनल पर कर रखा है कि फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक परफॉर्मेंस के बाद भी स्टूडियो इस फिल्म की परफॉर्मेंस से उतना ज्यादा खुश नहीं था, जो कि जाहिर सी बात है, क्योंकि फिल्म का बजट अगर इसके प्रमोशन के साथ पकड़ा जाए तो वो ऑलमोस्ट 190 मिलियन के आसपास है और फिल्म की कमाई 375.2 मिलियन की थी, जिसके बाद इस फिल्म ने एकेडमी अवार्ड भी जीते, जो कि मिलने ही चाहिए थे, क्योंकि इस फिल्म का जो विजन था वो जॉर्ज मिलर ने लोगों के सामने बहुत ही खूबसूरती के साथ प्रेजेंट किया था। खास करके इस फिल्म का एक्सपीरियंस आईमैक्स के स्क्रीन पर बहुत ही ज्यादा लाजवाब था, यानी कि ये बात सिर्फ और सिर्फ जॉर्ज मिलर को ही पता है कि वो मैड मैक्स की दुनिया को फैंस के सामने किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि उनके अलावा कोई इस यूनिवर्स को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कैच कर सकता है। लेकिन उस टाइम पर जब इस फिल्म में मैड मैक्स के रोल के लिए टॉम हार्डी को कास्ट किया गया था, तो फैंस उस बात से भी बहुत ज्यादा नाराज थे कि मैड मैक्स का टाइटल सिर्फ और सिर्फ मेल गिब्सन का ही है, ना कि और किसी का। लेकिन फिल्म देखने के बाद लोगों का विजन फिल्म को लेकर पूरी तरीके से बदल गया, जो यही बात प्रेजेंट करती है कि आपको फिल्म के डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर जॉर्ज मिलर पर भरोसा होना चाहिए, जो कि इस बार भी उनकी स्पिन ऑफ फिल्म फ्यूरियोसा को लेकर हो रहा है, खास करके फिल्म की लीड कास्ट। क्योंकि फ्यूरी रोड फिल्म में फ्यूरियोसा के कैरेक्टर का रोल प्ले 40 थेरोन ने प्ले किया था, बट इस बार इस रोल के लिए एना टेलर जॉय को कास्ट किया गया है। और फैंस ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते, बल्कि फैंस का तो ये कहना है कि उस रोल को प्ले करने के लिए 40 थेरोन को ही फिर से वापस लाया जाए और एजिंग की टेक्नोलॉजी को यूज कर इस फिल्म के शूट को कंप्लीट किया जाए। बट अभी मैंने आपको बताया कि ये कहानी पूरी तरीके से यंग फ्यूरियोसा के कैरेक्टर पर फोकस करेगी, जो मेरे हिसाब से तो एना टेलर जॉय बिल्कुल परफेक्ट है, यानी जो काफी सालों से इस फिल्म के स्पिन ऑफ को लेकर जो प्रॉब्लम चल रही थी इसके लीड रोल को लेकर, कि मैड मैक्स की स्पिन ऑफ फिल्म में फ्यूरियोसा के कैरेक्टर का रोल कौन प्ले करेगा, तो फाइनली वो कंफर्मेशन हो गई है। लेकिन उसी के साथ साथ दो और नाम की कंफर्मेशन भी की गई है, जिसमें से एक नाम याया अब्दुल मतीन 2 का है, जिन्हें हमने डीसी के यूनिवर्स में ब्लैक मैंडा का कैरेक्टर प्ले करते हुए देखा है, और दूसरा नाम है हमारे एमसीयू के थॉर, यानी कि क्रिस हेम्सवर्थ का, जो फाइनली मैड मैक्स के यूनिवर्स के साथ जुड़ चुके हैं। और इसे लेकर उनकी खुशी और भी ज्यादा डबल हो गई है कि फाइनली वो एक ऐसी फिल्म का हिस्सा है जिसके वो बचपन से दीवाने हैं। तो अब कौन सा फैंस ये नहीं चाहेगा कि वो क्रिस हेम्सवर्थ को मैड मैक्स के इस दुनिया में बहुत ही अलग तरीके से देखे, क्योंकि क्रिस हेम्सवर्थ के कैरेक्टर को लेकर उनके नाम की कंफर्मेशन कर दी गई है, जो नाम है स्कारफेस डेमेंटिस का, जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि क्रिस हेम्सवर्थ मैड मैक्स के इस यूनिवर्स में कोई ना कोई विलन का रोल प्ले कर रहे होंगे। बट फिलहाल तो नाम के बेसिस पर उनके कैरेक्टर को जज नहीं किया जा सकता। और अब बात रही फिल्म के डायरेक्टर की, तो फिल्म के डायरेक्टर जॉर्ज मिलर ही रहेंगे, जिन्होंने इस फिल्म की स्टोरी भी लिखी है। और इसके अलावा अब रही बात फिल्म की रिलीज की, तो जिस तरीके से इस फिल्म के प्रोजेक्ट को फास्ट फॉरवर्ड किया जा रहा है, उससे तो एक बात साफ है कि हमें ये फिल्म 2022 तक देखने मिलेगी। वेल, तो अब आपकी क्या राय है मैड मैक्स के यूनिवर्स की आ रही स्पिन ऑफ फिल्म फ्यूरियोसा को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि फिल्म की ये कास्टिंग आपको अच्छी लगी भी है या नहीं। और हाँ, इसके अलावा जॉर्ज मिलर एक और फिल्म पर काम करने वाले हैं, जो कि मैड मैक्स के यूनिवर्स की मेन फिल्म मैड मैक्स द वेस्टलैंड रहेगी, जिसे लेकर फिलहाल तो ऐसी कोई भी अपडेट अभी तक निकल कर नहीं आई है। और हाँ, इस फिल्म में हमें टॉम हार्डी और 40 थेरोन का कैरेक्टर नजर आ सकता है, अगर इस फिल्म को स्टूडियो बनाने के मूड में है तो। और अब अगर आपको मेरी मेहनत जरा सी पसंद आई है इस फिल्म की डिटेल को लेकर, तो इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा, आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अब मैं मिलता हूं जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में, किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। और तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।